स्टूडेंट्स एज वी ओल नो दैट बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी नियर नाउ वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट इन योर हैंड नाउ इट्स अप टू यू हाउ मच यू मैक्सीम योर एफर्ट्स कैसे आप लोग अपनी एफ़र्ट्स को मैक्सीम करें और अपना बेस्ट दें इन कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन सो एज वी ओन नो दैट बोर्ड रिलीज सैम्पल पेपर्स टू हेल्प आउट स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन गाइड दैम ताकि बच्चों को गाइडेंस मिल सके किस टाइप का पेपर फॉर्मेट रहेगा तो इस सेशन के लिए भी बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं सेपरेटली फॉर बेसिक एंड स्टैंडर्ड एंड क्लास ट्वेल्थ ऑल्सो इन टोटल आई कैन से सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर रिलीज हो चुके हैं ईदर फॉर क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ लिंक आई विल गिव यू इन डेस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर आप वहाँ से पी डी एफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर के लिए इन अवर कमिंग वीडियोज़ आई विल शेयर विद यू पेपर्स ऑफ बेसिक्स एंड क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स ऑल्सो तो यहाँ हम देखेंगे कैसे पेपर में चेंज आया है किस टाइप का इस बार आपका फॉर्मेट रहेगा विच इज़ डिफरेंट फ्राम लास्ट टोटली डिफरेंट है बिटे इन देंस इस बार पेपर की जो डिवीज़न है वो भी बदल गया है इंटरनली उसमें आपके क्वेश्चंस केस स्टडी आ गई हैं जो अभी तक नहीं पूछते थे मैक्सिमम इतनी केस स्टडी इस बार केस स्टडी का भी एक पार्ट है जिसमें आपको केस स्टडी करके आंसर्स करने हैं ना गिवन केस में वॉट इज़ सेम हेयर बेटे पहले भी आपका एटी मार्क्स का पेपर होता था एंड दिस टाइम ऑल्सो यू हैव एटी मार्क्स पेपर ट्वेंटी मार्क्स विल बी गिवन फ्रॉम स्कूल साइड दैट इज़ इंटरनल मार्क्स ट्वेंटी इंटरनल है एटी आपके थियोरी पेपर के हैं जो आप वहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे नाउ इन दिस एटी मार्क्स हाउ डिवीजन इज देयर कैसे डिविज़न है बेटे इसमें आपके जो टू पार्ट्स हैं पेपर के ए एंड बी सो आपके दो पार्ट्स हैं पेपर के ए एंड बी ए भी इंटरनली डिवाइडेड है एंड बी भी इंटरनली डिवाइडेड है जो आपका ए सेक्शन है दैट इज कंटेनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ए सेक्शन में आपके दो पार्ट्स हैं दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट सेक्शन वन में आपके सिक्सटीन क्वेश्चन हैं सो इन सेक्शन वन आपके सिक्सटीन क्वेश्चन रहेंगे जिसमें वन मार्क के क्वेश्चन अवेलेबल हैं सभी में सभी में नहीं बल्कि फाइव क्वेश्चन में सिक्सटीन में से फाइव क्वेश्चन में आपके इंटरनल चॉइस गिवन रहेगी वन मार्क के क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन टू में फोर क्वेश्चन है जो केस स्टडी है विच इज डिफरेंट आपकी केस स्टडी नहीं आती है और इस बार देखने वाली बात यह है कि इस बार एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं आपके यहाँ आपके लास्ट टाइम जो पैटर्न था एमसीक्यू क्यू बेस था ट्वेंटी क्वेश्चन एमसीक्यू के आते थे आपको टिक करना होता था तो इस बार एमसीक्यू को ड्रॉप आउट कर दिया गया है एमसी नहीं दिए जाएंगे आपके पेपर में क्या रहेगा वन मार्क क्वेश्चन रहेंगे सिक्सटीन क्वेश्चन वन मार्क के हैं जिसमें पाँच क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी फिर फर्स्ट सेक्शन ए में ही यानी आपको जैसे बताया गया है सेक्शन ए में आपके टू पार्ट्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट में आपके सिक्सटीन क्वेश्चन वन मार्क के जिसमें फाइव क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी उसके बाद सेक्शन सेकंड में आपके चार क्वेश्चन हैं केस स्टडी के जिसमें आपको एक डेस्क्रिप्शन दिया होगा एक केस दिया होगा उसे स्टडी करके आपको फर्दर आंसर्स करने हैं वो भी आपके ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आपको थ्योरी से रिलेटेड कुछ आपके रियल लाइफ से रिलेटेड यानी ऐसा मैथ्स इन्वॉल्व करके आपको दिया जाएगा ना ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स से अलग कुछ पूछा जा रहा है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको आंसर करने हैं सभी उसमें आपके चैप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा जिस भी चैप्टर से केस स्टडी आएगी उस चैप्टर के फॉर्मूलाज ईच एंड एवरीथिंग आइडेंटिटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए ताकि आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें रियल लाइफ टच के क्वेश्चन हैं तो आपको अच्छे से अपना पढ़ कर जाना है सो सेक्शन सेकंड हम देख चुके हैं उसमें फोर क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी के ठीक है ईच केस स्टडी हैज़ फाइव केस बेस्ड सब पार्ट्स यानी चार क्वेश्चन आएंगे उन चारों में सभी क्वेश्चन मतलब चार के चार क्वेश्चन में फाइव सब क्वेश्चन रहेंगे पाँच सब पार्ट रहेंगे ठीक है उन पाँच में से किसी भी चार के आपको आंसर्स करने हैं तो एक इंटरनल जो एक चॉइस आपकी उनमें भी है चार क्वेश्चंस आएंगे चार में सबके पांच पांच क्वेश्चंस हैं अंदर की तरफ तो उन पाँच में से कोई चार करने हैं आपको नाउ कम टू पार्ट बी पार्ट बी कैसा है आपका जैसा हमेशा पहले होता है वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स टाइप्स होते हैं तो इसमें देखिए क्या है बेटे ये जो आपका पार्ट बी है इसमें ट्वेंटी वन से ट्वेंटी सिक्स तक क्वेश्चन हैं ये क्या है वेरी शॉर्ट हैं दो नंबर के क्वेश्चन हैं ये ट्वेंटी सेवन से थर्टी थ्री तक आपके थ्री मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे थर्टी फोर टू थर्टी सिक्स यानी तीन क्वेश्चन आपके फाइव मार्क्स के आएंगे इंटरनल चॉइस कहाँ कहाँ है कहाँ आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है वो दो क्वेश्चन में है दो मार्क्स के दो क्वेश्चन लिए हैं और तीन मार्क्स के दो क्वेश्चन में चॉइस है और फाइव मार्क्स के एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आएगी आपके पास तो यानी हम देख सकते हैं इंटरनल चॉइसिस भी गिवन है हमारे पास इस बार टोटल यू हैव थर्टी सिक्स क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर सो आपको थर्टी सिक्स क्वेश्चन करने हैं थ्री आवर्स में आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए अब हम एक बार पेपर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं सो पार्ट ए जिसमें आपको बताया गया था वन मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो देखिए यहाँ पर टू थ्री फोर देर आर सिक्सटीन क्वेश्चंस सिक्सटीन क्वेश्चन वन मार्क के हैं जिसमें आपको इंटरनल चॉइस नज़र आ गई होगी इंटरनल चॉइस भी गिवन है देन उसके बाद <coughs> वी हैव सेक्शन सेकेंड दैट इज़ न्यू टू यू आप लोग के लिए नया है इसमें केस स्टडी करनी है आपको देखिए सन रूम दिया गया है एक आ, ये आपको बताया गया कैसे बना है तो इसमें से आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है कि मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे तो आपको मिड पॉइंट फार्मूला जो भी है याद होना चाहिए डिस्टेंस निकालना है तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसके लिए आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए बाकी आप केस स्टडी यानी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़कर आप आंसर कर सकते हैं देर इज़ नो प्रॉब्लम सेकेंड देखिए स्केल फैक्टर एंड सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर है ट्राइंगल्स का यूज किया हुआ है इसमें तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए आफ्टर दैट मॉडल ऑफ बोट इज ऑन द स्केल ऑफ वन एशो फोर एक बोट का क्वेश्चन है मॉडल वन ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है फुल साइज दिया हुआ है वर्ड ऑफ द स्केल मॉडल कुल मिला के बात ये है कि आपको क्या करना है ये जो क्वेश्चन है आपका ये किस पर बेस्ड है ये ए पार्ट जो गिवन है ये आपका क्वेश्चन नंबर एटीन से जुड़ा हुआ है इसका जो डिस्क्रिप्शन है ऊपर दिया हुआ है आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे बेटे आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ योर सिलेबस जब आपका सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक एक सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है अभी आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपका माइंड सेट हो जाए कि आपको पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है देर आर क्वेश्चन गिवन देखिए यहाँ पर ये है फिर नेक्स्ट आपका केस स्टडी थर्ड है ये देखिए पैराबोलिक शेप दी हुई है आपको ग्राफ गिवन है यानी ग्राफ की आपकी आइडेंटिफिकेशन कैसी आप ग्राफों है आप ग्राफ को कैसे पहचानते हैं आपको डिफरेंस पता है पैराबोला में स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे वो बन सकती हैं देन वी हैव केस स्टडी फोर इट इज़ बेस्ड ऑन स्टार्ट्स ये स्टार्ट्स पर बेस्ड है नाउ पार्ट सेकेंड में आपको बताया गया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन से शुरू होंगे टू मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे देन टू के बाद थ्री मार्क्स के भी क्वेश्चन हैं इसमें एंड देन फाइव मार्क्स इस बार फोर मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में आपको टू थ्री फाइव मार्क्स और वन मार्क्स इस टाइप के क्वेश्चन डिवाइडेड है जो आपकी केस स्टडी है केस स्टडी में भी जो सब पार्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी वन मार्क ईच है सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है प्रिपेयर इन द सेंस बस जो भी आपके एन सी सिलेबस है उसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए सिलेबस आपको मालूम ही है प्रिपेयर अच्छे से कीजिए डू योर बेस्ट अपना बेस्ट दीजिए स्टैंडर्ड हो या बेसिक दोनों में ही हार्ड वर्क चाहिए सो गिव योर बेस्ट ओनली लेस टाइम इज़ लेफ्ट सो ऑल द बेस्ट एंड वॉच वीडियोज़ विच आई यूज टू अपलोड एंड इन कमिंग टाइम आई विल ऑल्सो शेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग वो सब देखिए प्रिपेयर कीजिए एंड गिव योर बेस्ट थैंक यू